बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चिकन टिक्का बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू। ये मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन, थोड़ा सा प्याज, अदरक और हरी मिर्चें और दो लेमन के जूस, वो भी इसी में डाल दिए इसलिए कि ये इजी ये इसको ग्राइंड कर लें। अभी इसको पीस लेते हैं। थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं। मैं वैसे चीज़ें जो है अंदाजे से डालती हूँ, थोड़ा सा विनेगर और एक थैली जो है वो चिकन टिक्का। और अच्छी फुल चम्मच हल्दी की, उसमें मसाले में भी नमक होता है, इतना मैं नमक डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा तंदूरी मसाला या दूसरा जो है इसमें थोड़ा कलर अच्छा आता है, दो तीन चमचे ये डाल देते हैं। और ये जो पेस्ट बनाया था, जिंजर गार्लिक चिली और लेमन जूस था, इसमें ये सारा इसमें ऐड कर लेंगे। इसको मिक्स करते हैं। मिक्स कर लेते हैं। मैं थोड़ी सी योगर्ट भी डालूंगी अब। डाल देते हैं योगर्ट, काफी है। इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर इसमें चिकन डालेंगे। मसाला मिक्स कर लिया है, अब इसमें चिकन डाल देते हैं। मिक्स अच्छी तरह करते हैं। इनको हम स्क्वायर पे लगा के बारबेक्यू के ऊपर सजा देंगे। सजाने के बाद अपने नोश पे माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया, जिस तरह प्यारा कलर है इसी तरह टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो अच्छी तरह मिक्स करते हैं, कोई भी वो जो है ना वो मसाले के बगैर ना रखे, हर तरफ से ही मसाला लगे। रखें ये लेमन का जूस मैंने निकाल लिया इसमें, और ये एक थैली तंदूरी चिकन टिक्का। चिकन टिक्का मगर मैं इसमें बनाऊंगी उन पे जाम पे उनको लगाऊंगी, सिंपल सा करूंगी। थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, इससे ये जो होती है ना बोटियाँ उनका में चमक आती है, और मसाले में भी होता है नमक, और ये मैं थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा। इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर इसमें चम्पन डाल देंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी, और हम बारबेक्यू पे इनको बनाएंगे चम्पन को। चम्पन हम इसमें डाल देते हैं और मिक्स कर लेंगे मसाला सारा, तो अच्छी तरह इनको लग जाए। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि सारी को इस तरह लगा लेंगे। Get us this